कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के ट्रांजिएंट पैरामीटर टाइम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज राइज टाइम और सेटलिंग टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं राइज टाइम से। राइज टाइम, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का वो रिस्पांस है वो ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, जो कि पिछले लेक्चर में ड्रॉ किया था क्विकली। तो फर्स्ट ऑर्डर का ये जो रिस्पांस है कुछ इस तरीके का आया था। यहाँ पर टाइम इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर सीटी की वैल्यू थी, ओके। ये जो रिस्पांस था ये जो रिस्पांस का स्लोप था इनिशियली, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो ये कैलकुलेट होकर आया था ए स्लोप इक्वल्स टू ए, ठीक है। यहां पर टाइम कांस्टेंट वन अपॉन ए, टाइम कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट की थी, तो आई थी 0.63। हमने इस एनालिसिस में जो इनपुट लिया था वो यूनिट स्टेप इनपुट था, और यूनिट स्टेप इनपुट की वैल्यू 1 होती है, यही एक फाइनल वैल्यू होगी हमारे रिस्पांस के लिए, लाइक दिस, ओके। सो ये कर्व हमने पिछले लेक्चर में ड्रॉ किया था। ये जो ब्लू कर्व आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ब्लू कर्व है वो सीटी के लिए, सीटी इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू डी पावर माइनस ए टी, ओके। सो ये जो कर्व हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं राइज टाइम से। तो राइज टाइम की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि ये जो रिस्पांस है हमारा मूव कर रहा है, हमारी फाइनल वैल्यू कितनी है 1। सो ये जो रिस्पांस है ये 10% से, इस रिस्पांस की 10% से 90% तक पहुंचने में जितना समय लेता है, इसके बीच का समय की बात कर रहा हूं मैं, 10% से 90% तक के समय की बात कर रहा हूं। मान लीजिए 10% आपका यहां पर था, दिस वैल्यू इज 10% लाइक 0.1, और ये यहां पर जो आपकी वैल्यू है ये है 0.9, ठीक है। 0.1 के करस्पॉन्डिंग टी पर ये वैल्यू आ गई आपकी यहां पर, और 90% के करस्पॉन्डिंग आपकी ये वैल्यू आ गई लाइक दिस। सो एक पॉइंट ये हो गया आपका 10% वाला, एक पॉइंट ये हो गया आपका 90% वाला। अब डेफिनेशन सुनिए, राइज टाइम वह समय है जबकि सिस्टम रिस्पांस फाइनल वैल्यू क्या है 1, फाइनल वैल्यू के 10% से 10% मतलब यहां से बात कर रहे हैं 10% से 90% तक पहुंचने में जितना समय लेगा, मींस इसकी बात हो रही है 90% से, ये 10% से 90% तक पहुंचने में जितना समय लेगा उसको हम बोलेंगे सिस्टम का राइज टाइम। जनरली उसे टी स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ओके। इसकी डेफिनेशन एक बार मैं नोट कर देता हूं आपको, सिस्टम रिस्पांस को फाइनल वैल्यू के 10% से 90% तक पहुंचने में लगा समय, 10% से 90% तक पहुंचने में लगा समय राइज टाइम कहलाता है, ओके। इसके बीच के समय की बात कर रहा हूं मैं,
बीच के 10% पे ऑलरेडी हमारा रिस्पांस था, अब 10% से 90% तक जब पहुंचेगा तो इस बीच के समय की बात हो रही है। सिर्फ इसकी दूसरे पेन से मैं कर देता हूँ लाइक दिस, 10% से 90%, यहाँ तक 90% तक पहुंच गया ये, इसकी बात हो रही है। इस दौरान जो भी समय लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा, टी आर, राइज टाइम। ओके, सो ये टी आर की वैल्यू क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। सो हमारा जो रिस्पांस था, रिस्पांस सी टी इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी। अब हमारा जो रिस्पांस है वो पहले हम 10% के लिए करेंगे, जब सी टी की वैल्यू 0.1 है या 10% ऑफ फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू की 10% पर जब हमारा पॉइंट है, फाइनल वैल्यू के 10% पे है, तब क्या रिस्पांस होगा, तो सीटी की जगह 0.1 पुट कीजिए, इक्वल्स टू 1 माइनस e टू डी पावर माइनस 80। तो e टू डी पावर माइनस 80 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 इक्वल्स टू 0.9। ओके, दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ई बेस लेने पर, लेने पर तो लॉग ई बेस ई टू डी पावर माइनस ए टी इक्वल्स टू लॉग ई बेस 0.9। लॉग ई बेस 0.9 की वैल्यू आप लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, ये जनरली 0.105 आती है। ओके, और ये जो वैल्यू है e टू पावर माइनस 80, e टू पावर माइनस 80 आगे आ जाएगा, लॉग आपने पढ़ा होगा, और लॉग e बेस e 1 हो जाएगा, तो माइनस 80 ये लॉग 0.9 की वैल्यू माइनस में आएगी यहाँ पर, ठीक है, माइनस 80 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 0.105। तो t की वैल्यू आ गई आपकी 0.105 अपॉन a, ठीक है, ये जो है अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। सो ये जो कैलकुलेट आया वो 10% के लिए आया, जब हमारा रिस्पांस फाइनल वैल्यू के 10% तक पहुंच चुका है। अब कैलकुलेट करते हैं कि यदि हमारा रिस्पांस फाइनल वैल्यू के 90% तक पहुंच गया हो तो। सो अगला केस हमारा आ गया कि जब हमारा सीटी है जो कि रिस्पांस है वो 90% तक पहुंच गया है फाइनल वैल्यू के, तो सीटी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 0.9। तो फिर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सीटी इक्वल्स टू 0.9 और CT के एक्सप्रेशन क्या है, 1 माइनस e टू डी पावर माइनस 80। ये कैलकुलेशन कर ली, लॉग ले लीजिए दोनों पक्षों में, लॉग लेने पर लॉग e बेस e टू डी पावर माइनस 80, बेस में लॉग लेंगे, लॉग e बेस 0.1 माइनस 80 इक्वल्स टू लॉग ई बेस 0.1 की जो वैल्यू होती है वो होती है -2.3। सो -2.3 ये आ गया और टी इक्वल्स टू आ जाता है 2.3 अपॉन ए। ओके, सो ये एक्सप्रेशन आ जाता है कब, जबकि रिस्पांस हमारा 90% तक पहुंच चुका है। और ये रिस्पांस कब आता है, जब रिस्पांस हमारा 10% तक पहुंच चुका है। तो जो हमारा राइज टाइम होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, राइज टाइम इक्वल्स टू राइज टाइम टी आर इक्वल्स टू, राइज टाइम क्या होता है, जैसा कि बताया था कि 10% से लेके 90% तक के बीच का समय, यहां से यहां तक पहुंचने में जो भी समय लगेगा, तो इस समय में से 90% तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगा और यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगा, तो टी आर अगर कैलकुलेट करना है तो टी 90% में से टी 10% को माइनस कर दीजिए। सो टी आर इज इक्वल टू टी 90% कितना है, 2.3 ए माइनस टी 10% कितना है, 0.105 इक्वल्स टू ए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है 2.2 अपॉन ए। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है वो है हमारा राइज टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर,
फर्स्ट ऑर्डर का राइज टाइम जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो राइज टाइम आपका हो गया। अब अगला पैरामीटर जो होता है वो है आपका सेटलिंग टाइम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का सेटलिंग टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं। सो अगला टॉपिक सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम को TS से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब सेटलिंग टाइम की डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिए। सेटलिंग टाइम बेसिकली क्या होता है? सेटलिंग टाइम कहता है कि जो सिस्टम रिस्पॉन्स है, सिस्टम रिस्पॉन्स को फाइनल वैल्यू जो कि 1 है, फाइनल वैल्यू के 2% तक पहुंचने और वहीं पर बने रहने, मींस ये रिस्पॉन्स जो है यहां से चलना शुरू करेगा और कहां पहुंच जाएगा, इससे 90% से भी और आगे, मींस यहां तक, यहां कहीं पहुंचेगा, ये जो वैल्यू होगी, ये जो छोटी सी आपको रेंज दिख रही है ये होगी फाइनल वैल्यू की 2% मात्र। मींस जब रिस्पॉन्स यहां से आगे बढ़ता जाएगा और कहां तक पहुंच जाएगा, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जो कि जहां से फाइनल वैल्यू मात्र 2% बचेगी। ये जो टाइम है इसको आप बोलेंगे सेटलिंग टाइम। सो जो रिस्पॉन्स है वो 0 से शुरू होकर फाइनल वैल्यू के 2% तक पहुंचता है और वहीं पर बना रहता है तो वो समय सेटलिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, तो सिस्टम के, इसको लिख देते हैं, लिख के मैं आपको बता देता हूं। सिस्टम के रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब क्या है? रिस्पॉन्स मतलब है सीटी। सिस्टम के रिस्पॉन्स को फाइनल वैल्यू के 2% रेंज, 2% मतलब फाइनल वैल्यू ये इसी के 2% रेंज में पहुंचने और वहीं पर बने रहने, और वहीं पर बने रहने में लगा समय सेटलिंग टाइम, SETLING, सेटलिंग टाइम TS कहलाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी सेटलिंग टाइम की डेफिनेशन। तो सेटलिंग टाइम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार कर लेते हैं। सो फिर से देखिए कि जब रिस्पॉन्स यहां तक पहुंचा तो फाइनल वैल्यू के 0.2%, मींस ये जो वैल्यू, ये जो गैप दिख रहा है आपको ग्रीन लाइन में और ब्लू लाइन में, ये जो गैप है ये है आपका 0.02, मींस फाइनल वैल्यू जो कि 1 है उसका मात्र 2%। जब सिस्टम 0 से शुरू करके फाइनल वैल्यू के 2% रेंज में पहुंच जाता है और वहीं बना रहता है तो उसको इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम। यहां मतलब फाइनल वैल्यू का 0.02% की रेंज में पहुंचना या सिस्टम रिस्पॉन्स के 98% तक पहुंचना। ओके, सेटलिंग टाइम में जो रिस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू के 98% तक पहुंच जाता है, अर्थात CT = 0.98।
अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इस तरह यहां पर सॉल्व किया है, फर्दर सॉल्व कर लीजिए। सी टी इजकल टू 0.98, सी टी की वैल्यू कितना होती है, 1 - e to the power -80। लॉग ले लीजिए दोनों पक्षों में, लॉग लेने पर लॉग ई बेस लेते हैं, लॉग ई बेस e to the power -80 इक्वल्स टू लॉग ई बेस 0.02। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे लॉग टेबल से देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है -0.912, और ये लॉग ई बेस ई 1 हो जाता है, -80 आगे आ जाता है, -80 इक्वल्स टू ये कैलकुलेशन करके टी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं टी इक्वल्स टू 4/A। सो ये जो एक्सप्रेशन होता है वो आपके सेटलिंग टाइम का होता है। सो स्टूडेंट, हमने जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। सेटलिंग टाइम का एक्सप्रेशन टी इक्वल टू 4/A है, राइज टाइम का एक्सप्रेशन 2.2/A है, और टाइम कांस्टेंट तो हमने कैलकुलेट किया था, वो टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू है 1/A। सो ये पैरामीटर हैं आपके बेसिकली, और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपके सेटलिंग टाइम को, सेटलिंग टाइम 0 से लेके 98% तक पहुंचने में जो समय लगा, मान लीजिए जब यहां तक पहुंचा, ये वाली लाइन ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं अब, दिस लाइन ये है आपकी 98% मींस 0.98। ओके, मैंने ड्रॉ कर दी है। तो यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा इसको हम बोलेंगे टी एस, मींस सेटलिंग टाइम। ओके, ये आपका हो जाता है सेटलिंग टाइम, और सेटलिंग टाइम की वैल्यू क्या होती है हमने भी कैलकुलेट की है। सेटलिंग टाइम की वैल्यू होती है 4/A, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ओके, राइज टाइम जो होता है वो इन दोनों टाइम 10% और 90% के बीच का डिफरेंस होता है, 10% ऑफ फाइनल वैल्यू और 90% ऑफ फाइनल वैल्यू के बीच का डिफरेंस वो होता है 2.2/A। मीन्स अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहां से यहां तक, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, तो ये जो होगा वो होगा 2.2/A यहां से लेके यहां तक, ये आपका होगा राइज टाइम। ओके, सो ये था ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ट्रांजिएंट पैरामीटर के बारे में। अगले लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पांस और पैरामीटर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।